दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा जंगल जलेबी का ट्री है जो कि आपने देखा होगा, हमने जो चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने इसमें लगाया था और ये तब काफी पतला सा था। उसके बाद मैंने इसको इस पोर्ट में शिफ्ट किया और पोर्ट में शिफ्ट करने के बाद मैं इसकी ज्यादा केयर नहीं कर पाया और मैंने इसको इसके अंदर ही वाइल्डली ग्रो होने के लिए छोड़ दिया और इसका नतीजा ये निकला कि इसमें से जो ग्रोथ है वो काफी बड़ी हो गई है। देखिए ब्रांचे, लेकिन जिन पे हमने वायरिंग की थी वो कुछ ब्रांचे जो है वो ड्राई हो गई है और मैं इसको टाइम टू टाइम केयर इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास जो टूल है वो अच्छे नहीं थे। जंगल जलेबी जो प्लांट है ये इतनी तेजी से ग्रो करता है कि आप इसको इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इस पे एयर लेयरिंग कर सकते हैं, इसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था गार्डन एरिया में एक जगह पे और ये अपने आप अच्छे से ग्रो कर रहा था। वायर को रिमूव करते टाइम भी एक चीज का ध्यान रखिए कि जो ब्रांच है इसको इस तरह से पकड़कर फिर ही उसको रिमूव करें, अदरवाइज जो ब्रांच आपकी टूट सकती है। हमें वायरिंग करनी चाहिए ब्रांच के हिसाब से, जितनी लचीली हमारी ब्रांच है उतनी ही लचीली हमें जो वायरिंग है वो करनी चाहिए। हार्ड वायर अगर हम यूज करेंगे सॉफ्ट ब्रांच पे तो जो ब्रांच है वो वैसे ही खराब हो जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो जंगल जलेबी के अंदर कांटे बहुत होते हैं तो इसको केयरफुली आप इसकी जो वायरिंग है उसको केयरफुली निकालें, ये ना हो कि आपके हाथ में जो कांटे हैं वो लग जाएं। इसमें अगर थोड़ी सी वाटरिंग ज्यादा भी हो जाती है तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मैंने ये ट्राई करके देखा हुआ है। मैंने इसका जो एक प्लांट है उसको मैंने जो पानी जहां भरा रहता है टंकी के पास मैंने उसके अंदर उसको छोड़ रखा था तो वहां पे वो अच्छे से ग्रो कर रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, पॉट के जो सोइल है सोइल के अंदर पानी ना रहने दे ज्यादा। दोस्तों, जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रीन है इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड नेक्स्ट टाइम हम ब्लैक रखें, ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा आपको क्लियर दिख पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इससे काम चलाना होगा। दोस्तों, बोनसाई पे काम करते टाइम अगर आपके पास टर्न टेबल है तो ज्यादा अच्छा होगा। टर्न टेबल का बेनिफिट ये है, देखिए जैसे हमने इस तरह से इसको किया तो अगर टर्न टेबल है तो जो पोर्ट है वो नीचे से घूम जाएगी, लेकिन अगर टर्न टेबल हुई तो जो ब्रांच है वो टूट सकती है, तो ये टर्न टेबल का एक बेनिफिट होता है। और एक टर्न टेबल से ये बेनिफिट है कि आप जो ट्री है उसको चारों एंगल से देख सकते हैं एक ही जगह पे रहके, आपको जगह जगह घूमना नहीं होगा। वायरिंग है वो हमने अनवायर कर दी है, अब हम इसकी जो ब्रांचे हैं वो रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो ड्राई ब्रांच है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो ये ब्रांच है मैं इसको रिमूव करूंगा क्योंकि मैं इसका ये फ्रंट रखने वाला हूं तो ये बिल्कुल सामने आ रही है, इसमें कोई और फ्रंट मुझे नजर नहीं आ रहा, ये इसका फ्रंट हो सकता है तो इसको हमें रिमूव करना होगा। तो चलिए इसको हम रिमूव करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखा देता हूँ। चलिए पहले हम इसको ऊपर से मैं कट करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना सॉफ्ट कितने इजीली इसने कट किया है, आप इस कटिंग को देख सकते हैं। यानी ये कटिंग लगाने के लिए इस तरह से अगर आपकी शार्प कटिंग है तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। मैं इस हिस्से को भी कटिंग के थ्रू लगाऊंगा। अब इसका जो ये पार्ट है देखिए, इस पार्ट को भी हमें रिमूव करना होगा, तो पहले हम इस हिस्से को काट देते हैं और फिर इसको हम जितना बड़ा हमें रखना है उतना हम इसको कट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको तिरछा कट लगाऊंगा इस तरह से। दोस्तों, ये टूल काफ़ी अमेजिंग है, मेरे पास जो पहले टूल था वो इतनी इजीली इसको कट नहीं करता था, ये काफ़ी अच्छे से कट कर रहा है। सेम इसकी इस ब्रांच को हम यहाँ से कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हम छोटी छोटी ब्रांचों को भी कट करते जाएंगे। अब इसकी जो ये ब्रांच है ये काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको भी हम थोड़ा सा कर देंगे इस तरह से। देखिए इस ब्रांच को मैं यहाँ से कट कर दूंगा इस तरह से और इसको हमें वायरिंग करनी होगी। वायरिंग करके हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को इस तरह से बैंड कर देंगे, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो इसको हम बैंड करेंगे बाद में। एक हमारे पास ये ब्रांच है जो काफी बड़ी है, इसको हम इस तरह से रखेंगे तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। अब हमारे पास एक ये ब्रांच बच गई है जो ये है, इसको हमें कट करना होगा तो इसके लिए मैं इसको यहां से कट करूंगा। तो दोस्तों, अब जो ये ब्रांच है इसको हमें कट करना होगा, इसको मैं यहां से करूंगा। अब हमारी जो मेन जो ब्रांच है जो ये है इसको हमें कट करना होगा। ये देखिए इस तरह से जो ट्री का जो फ्रंट हम रखेंगे देखिए इस तरह से, तो आई थिंक इसको हमें यहीं से रिमूव करना होगा।
देखिए दोस्तों, इस तरह से जो तिरछा कट है वो भी इस टूल ने काफी अच्छे से कट किया है। ये हमारा जो पैड है इस ट्री का, ये इस तरह से बनेगा। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ब्रांच सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करती है तो उसको कट कर दें, तो ये जो ब्रांच है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा इस तरह से। और इनके अंदर भी जो ये ब्रांच है ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है इनको हम कट कर देंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। ये ब्रांच भी ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है तो इसको भी हमें कट करना होगा। मैं सोच रहा था इसको हम इस तरह से बैंड करके एक इसको स्टाइल दे देंगे, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब हमारी जो ये ब्रांच है इसको हमें इस तरह से बैंड करके नीचे की साइड इसको इस तरह से बनाना होगा वायरिंग के थ्रू, और इसको हमें इस तरह से, तो ये सब होगा वायरिंग के थ्रू। अब हम इसको यहां से कट कर देते हैं। चलिए अब इन पे जो थोड़ी सी वायरिंग कर लेते हैं ताकि इनकी जो शेप है वो सही आ जाए। हमने जो ब्रांच है वो रिमूव कर दी है और जो वायरिंग है वो भी दोबारा से कर दी है। अब इसका तो थोड़ा सा जो शेप है वो दिखने लगा है, इसमें अभी और काफी टाइम लगेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिपोर्ट करेंगे क्योंकि इसको काफी टाइम हो गया है, ये इसी पोर्ट में है काफी सालों से, तो इसको रिपोर्ट करना होगा ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।